नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का जो वीडियो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जैसे कि मैंने लगभग लगभग सारी ऐप्स के बारे में अपने चैनल में बताया है, पर जो आज की वीडियो वो कुछ इसलिए खास है क्योंकि आप जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, एक ऑनलाइन ऐप है iRupee। जी हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में लगभग लगभग हर एक ऐप ने पैसा देना बंद कर दिया था और जो ऐप्स पैसा दे रही हैं, जैसे कि PNB हो गया, स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, इसके मैं ऑलरेडी प्रोसेस और ऐप जो क्या है पूरा प्रोसेस अपना वीडियोस डाल चुका हूँ, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। अभी जो आई मुझे कई वीडियोस देखे और कई मेरे पर मेल्स भी आए, उसमें चेक किया, जो iRupee नाम की जो ऐप है वो पैसा दे रही है और लोग इसमें ऐसा कर रहे हैं कि ये बहुत कम इंटरेस्ट में दे रही है, इनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वे बहुत ज़ीरो है और ये काफ़ी लंबे टर्नओवर के लिए दे रही है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग पैसा लेना चाहते हैं, जिनको सच में काफ़ी ज़रूरत है पैसों की, पैसे ख़त्म हो गए हैं, अपनी डेली नीड्स के लिए पैसा लेना चाहते हैं, तो उनको आप लोग फिर भी जहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट्स हो, आप उन बैंकों को कॉन्टैक्ट करिए जिसमें कि SBI ने, इलाहाबाद बैंक ने, PNB ने, HDFC ने, ICICI ने, इन लोगों ने ऑलरेडी कोविड डिक्लेरेशन कर दिया है, COVID-19 इमरजेंसी लोन कर दिया है कि आपको घर बैठे वो लोन मिल सकता है विद इन 48 आवर्स। लेकिन तो ये इसलिए फिर भी मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों हो गया वीडियो कि कई हमारे ऐसे मासूम और जो व्यूअर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। ये iRupee जो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% कोई मंथली या वीकली नहीं है, डेली का है। यानी एवरेज देते हैं तो इसका जो मंथली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 30% है। इसके अलावा ये लोग 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज कर रहे हैं। और जब ये ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे, आगे लोन के लिए प्रोसेस करोगे, तो आप जितना भी लोन अप्लाई करोगे उससे बहुत कम ये लोन देंगे और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी रिट्रीव कर रहे हैं। जी हाँ, ये आप सारे कॉन्टैक्ट्स जो इतना परेशानी होती आएगी, आपके सारे कॉन्टैक्ट इनके पास चले जाएंगे। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा किसी भी ऐप में अभी लॉकडाउन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए और आपको आपके जो होम बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो ही आप इस बैंक में मूव कर सकते हैं, ये सब ऑनलाइन ऐप्स में, अदरवाइज मत करिए। तो मुझे लगा कि ये आपको जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि आप लोग ऐसे किसी भी ऐप के चक्कर में दोबारा से मत पड़िए, क्योंकि ये लोग आपको घुमा फिरा के आपसे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे और आपके डेटा भी फ़ोन का आपको ले लेंगे। और ये सब वही ऐप्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे बहुत सारी ऐप जो वाइंड अप होने वाली हैं। तो जैसा कि 31 जून तक जो हमारा फाइनेंशियल जो खिंच गया है, तो 31 जून तक ये लोग मैक्सिमम कलेक्शन करने के लिए और जो जितने मैक्सिमम कस्टमर से कमा सकते हैं इसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, इनसे दूर रहिए, बच के रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिए। इसे वीडियो बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।